नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। राइट नाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि आपने उन्हें काफ़ी परेशान किया है, हर्ट किया है, जिसकी वजह से वो अभी भी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। और चाहते हुए भी वो एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है उतना ही पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको लग रहा कि वो ये भी जानते हैं कि ये अननोन फियर भी हो सकते हैं। तो वो इन परेशानियों से, इस जो डरावने सपने हैं जो वो महसूस कर रहे हैं, उनको डर लगता है इन चीज़ों को सोच सोच कर। तो इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, हालांकि वो अभी भी इस प्रॉब्लम से उभर नहीं पा रहे हैं, जो दुख तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें दिए हैं, वो चाहते हुए भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि अगर वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इन चीज़ों को भारी भरकम बनाने के इस रिश्ते में फिर से कोशिश करें, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है, जो इस रिश्ते को सोच सोच कर भारी भर हो सकता है कि सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ, तो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में फिर से ये रिश्ता सॉल्व हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो इस रिश्ते से लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी डरे हुए, काफ़ी घबराए हुए हैं, बार बार उनको लग रहा है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, इसलिए वो चाहते हुए भी कि वो स्टैंड लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि दूसरे रिश्ते की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस पनौती से, इस रुकावट बाधाओं से बाहर आएंगे और नए रिश्ते की तरफ रुझान करेंगे तो वहाँ उनके लिए चीज़ें सही हो सकती हैं। तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, ज़्यादा तो नहीं लग रहा, वो इसमें स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे इस सप्ताह। और बाकी अभी इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं, चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं, और वो अभी इस रिश्ते को पनौती मान रहे हैं, रुकावटें मान रहे हैं, तो इसलिए वो जब तक इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं वो, तो नए रिश्ते की तरफ रुझान करेंगे या तो फिर वेट इंतजार करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहने की, जो वो
वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते हैं, सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है। अगर आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, चीज़ों को, बातों को अपने से चिपका कर नहीं रखते, पैसे को चिपका कर नहीं रखते, जगह सिचुएशन के बारे में इतना नहीं सोचते, तो मतलब समय और फलो के साथ चलते हैं, टाइम के साथ चलते हैं कि जो समय बीत गया उसको जाने दें और आगे के बारे में सोचें, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि अट्रैक्शन और आकर्षण तो दोनों तरफ से है अभी भी इस रिश्ते में, तो अभी भी जो कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए। आप खुलकर बातें करना चाहते हैं, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई परेशानी नहीं रखना चाहते, और आपको लगता है कि हर जो चमकने वाली चीज़ है वो सोना नहीं होती, यानी कि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं चमकती वो भी अच्छी हो सकती हैं, जो चमकती हैं वो पीतल भी हो सकती हैं। तो फायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी देखें और नुकसान के साथ होने वाले फायदे को भी देखें। तो अगर वो सोच समझ कर इसमें डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, और यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि उन्हें इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए, सोच सोच कर भारी भरकम इस रिश्ते को नहीं बनाना चाहिए। अगर वो उन परेशानियों से, दुविधाओं से बाहर निकल आते हैं और पैशन और जुनून के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, कैप्रिकॉन के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो स्टक हो चुके हैं, वो कंफ्यूज्ड है, परेशान है, दुविधा में है, उनके पास और ऑप्शन होते हुए भी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए वो इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुल कर बातें करना चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, लेकिन क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि अगर दोबारा से रिश्ता बनता है तो कोई फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ ना रहे, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए या जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं, जो परेशानियाँ रही हैं जिससे वो दुखी रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, एक परिवार बनाने के लिए, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, या ऐसे नॉन पर्सन की मदद लेना चाहते हैं जो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते को जानते हैं, ताकि ऑप्शन होते हुए भी वो, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आपके साथ वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ऐसा, क्योंकि आप भी ऐसा चाहते हैं इसमें, तो इसलिए वो ऐसे पर्सन की मदद चाहते हैं या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कि रिश्ते में फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हों, और इसमें सोच विचार के ही डिसीजन लिया जाए। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, कैप्रिकॉन पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप पहले उन चीज़ों से, जो अगर आप इसमें मानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अभी भी हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आप
को अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता मिल रहा है तो आप उसकी तरफ भी रुझान कर सकते हैं। और अगर आप अदर कास्ट से हैं, उनके रिलीजन के नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, तो भी उन्हें आपको उनका वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी अदर कास्ट में या अदर रिलीजियस बंदे से ही वो अपने रिलीजियस बंदे से ही वो शादी विवाह करेंगे। वो अदर कास्ट में या अदर रिलीजन के अगर आप हैं तो उनके साथ वो नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि अगर आपको कोई नया पार्टनर मिल रहा है तो उनके साथ आप जा सकते हैं, या फिर अभी अपने परिवार और फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनके साथ जो भी एंजाइटी, जो भी परेशान दुविधा रही है, उनको ख़त्म करने के बाद आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को अपना फैमिली और परिवार बनाना चाहते हैं और उनकी कास्ट के हैं, तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलिए, जिससे आप प्रॉब्लम में हैं, हर्टेड हुए हैं, तो समय रहते इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि और किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से, ऐसे पर्सन से मदद लीजिए जो दोनों तरफ से नॉन है। और उनकी मदद अगर आप लेंगे और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो यूनिवर्स भी ये रिश्ता भी, एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप उनकी कास्ट के नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं, तो आपको वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अगर आप उनके धर्म और कास्ट के हैं, रिलीजियस बंदे हैं, तो और अगर आप मानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन चीज़ों से आप बाहर आइए और ऐसे पर्सन से मदद लीजिए जो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते के बारे में जान सकते हैं। उनसे क्लैरिटी लाइए और तभी आप इसमें डिसीजन लीजिए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।